ये जानती हो क्या है? नहीं, ये एक वायरलेस डिवाइस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीटिंग के लिए यूज होती है, और सिर्फ यही नहीं है ना, पकड़ गए ये और ये भी, ये सब चीटिंग करने की डिवाइसेस है। अगर ये सब पकड़े जाएं तो फिंगरप्रिंट तो है ही। ये कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो बच्चे दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम को पास करने के लिए यूज करते हैं, और कुछ तो यूज करने के बाद भी पास नहीं कर पाते। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है तुम गलत हो। ये एग्जाम है गाओकाओ, जो इंडिया में नहीं बल्कि चाइना में होता है, और इसे कहते हैं वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम। गाओकाओ यानी कि चाइना का नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। ये एक स्टैंडर्डाइज एग्जाम है जिसे वहां के कॉलेज में जाने के लिए हर साल चाइना के बच्चे और बुड्ढे भी देते हैं। जून के महीने में होने वाले इस एग्जाम पर सिर्फ चाइना की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर होती है। पर इस एग्जाम में ऐसा है क्या जो इसे दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम बनाता है? आइए जानते हैं। फॉर स्टार्टर्स, ये एग्जाम 9 घंटे चलता है और उसकी प्रिपरेशन में 9 जन्म लगते हैं। इस एग्जाम का सिलेबस इतना होता है कि सिर्फ दो तरह के लोग इसको पास कर पाते हैं, या तो चतुर या तो चिट्टी। और सिलेबस भी ना कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं होता, बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वहां मैंडरिन, इंग्लिश, मैथ्स ये कंपलसरी हो गए, सोशल साइंसेस जैसे टॉपिक्स उनके ऑप्शनल हो जाते हैं। ये कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, और भी कुछ टॉपिक्स को पढ़ना होता है, वो होते हैं मेंटल स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, और कुछ केसेस में सुसाइड भी साथ में आ जाता है। ये एग्जाम होता है चाइना की टॉप टियर यूनिवर्सिटीज में आने के लिए, और इसका रेशियो कुछ ऐसा है कि 50,000 बच्चे अगर एग्जाम देते हैं तो उनमें से एक सिलेक्ट होता है। और इस एग्जाम का आप हाइप इस बात से समझ सकते हो कि जब ये एग्जाम चल रहा होता है तो वहां की आसपास की सड़कें खाली कर दी जाती हैं, गाड़ियां हटा दी जाती हैं, कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाता है, इनफैक्ट एम्बुलेंसेस को स्टैंड बाय पर रखा जाता है इन केस ऑफ नर्वस कोलैप्सेस। चाइना के बच्चों के लिए ये एग्जाम बहुत बड़ी बात है, बहुत टफ होता है, और इस एग्जाम के इतना टफनेस जो होता है इसका क्रिटिसिज्म भी है। और अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये एग्जाम बच्चों को इतना ट्रॉमा दे जाता है कि बच्चा तो गाओकाओ से निकल जाता है बट गाओकाओ बच्चों से नहीं निकलता। गाओकाओ एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से बच्चों की हालत बिगड़ती ही जा रही है। इनफैक्ट वहां पर स्पेशल मेंटल हेल्थ कैंप्स लगाए जाते हैं टू हेल्प चिल्ड्रन हील फ्रॉम गाओकाओ एंड इट्स प्रिपरेशन ट्रॉमा। अच्छा, इस एग्जाम के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनलाइक हमारे यहाँ का यूपीएससी, इस एग्जाम को देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। वहां पर आप इसको 18 में भी दे सकते हो और आप इसको 60 साल की उम्र में भी दे सकते हो। तो लोग अटेम्प्ट करते ही रहते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है ये भाई साहब लियांग शी, जिन्होंने हाल ही में 2022 में 56 साल की उम्र में 27वां अटेम्प्ट दिया गाओकाओ का। यानी 27 साल से ये एक एग्जाम के प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 साल से, 15-15 साल से अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, क्लियर ही नहीं हो रहा। और गाओकाओ एग्जाम का हुआ इतना है चाइना में कि वहां से सिर्फ कॉलेज डिसाइड नहीं होते कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, बल्कि मैरिज प्रोस्पेक्ट्स भी डिसाइड होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, चाइना में सही में ऐसा होता है। वहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि पहले गाओकाओ करो, फिर जाके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, और एक बार एग्जाम हो जाता है तो बैनर लेके एग्जाम हॉल के बाहर पहुंच जाते हैं कि जाओ अब जाके इश्क लड़ाओ। इनफैक्ट वहां पर अगर बच्चा गाओकाओ का एग्जाम कर रहा होता है तो पेरेंट्स अपने डाइवोर्सेस पोस्टपोन कर देते हैं। चाइना में गाओकाओ एग्जाम के बाद डाइवोर्स रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही एग्जाम हुआ फिर पेरेंट्स ने कहा चलो अब जाके डाइवोर्स करते हैं। चाइना में एक कहावत है जिसमें गाओकाओ एग्जाम को कहा गया है स्टैम्पीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स एंड टेन्स ऑफ थाउजेंड ऑफ हॉर्सेस इन अ सिंगल लॉग ब्रिज। मतलब चाइना वालों के लिए एग्जाम नहीं है, जंग है ये। अब हमारे देश का एग्जाम्पल ले लो तो ये हर ओवर पॉपुलेटेड देश में होता है कि भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे होते हैं ज्यादा, सीट्स होती हैं कम। चाइना में हालत इतनी खराब है कि वहां की अगर आपको टॉप 500 यूनिवर्सिटी में आना है तो हर 50,000 बच्चे जो गाओकाओ देंगे उनमें से एक का सिलेक्शन होता है। और आगे जाके भाई हाई पेइंग जॉब, स्टेबल लाइफस्टाइल और आरामदायक जिंदगी, चाइना इज इक्वल टू इंडिया। नौकरी के मामले में सेम मेंटालिटी। नौकरी के मामले में तो एटलीस्ट हिंदी चीनी बाय बाय। क्रिटिक्स का कहना है कि गाओकाओ रोट लर्निंग है, यानी कि जो रट्टा मार प्रथा है उसको प्रमोट करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो चल रहा है वैसा चलने दे। इंडिया की तरह चाइना में भी गजब का एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस चल रहा है, और हर साल गाओकाओ को अटेम्प्ट देने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि अटेम्प्ट देने के लिए कोई एज लिमिट है ही नहीं। लोग पहली बार भी अटेम्प्ट दे रहे हैं और 50वीं बार भी। इनफैक्ट 2022 में जो गाओकाओ एग्जाम हुआ उसमें 1,10,00,000, और 2023 में जो एग्जाम हुआ उसमें 1,20,00,000 बच्चे बैठे थे। यानी कि सिर्फ एक ही साल में 1,00,000 नए कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट दिया। अच्छा, अगर गाओकाओ का इंडिया वर्जन ढूंढना है तो दो एग्जाम दिमाग में आते हैं, यूपीएससी और आईआईटी। गाओकाओ और यूपीएससी काफी ज्यादा सिमिलर है। दोनों ही एग्जाम में हर साल लाखों लोग अटेम्प्ट देते हैं और हर साल लाखों लोग रीअटेम्प्ट भी देते हैं। दोनों की प्रिपरेशन में पैंट गीली हो जाती है, और मैंने दोनों ही नहीं दी। बट डिफरेंस यहाँ ये है कि अनलाइक गाओकाओ, यूपीएससी में एक एज लिमिट होती है। जनरल कैटेगरी के लोग 32 की एज तक 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी के 35 की एज तक 9 अटेम्प्ट, और एससी एसटी के 37 की एज तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। और गाओकाओ की तरह यूपीएससी का भी जो क्लियरेंस रेट होता है वो भी बहुत कम, 0.2%। लेकिन अगर आप गाओकाओ को आईआईटी से कंपेयर करो तो ज्यादा सेंस बनता है, क्योंकि दोनों ही
यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और दोनों में ही मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा होता है। चाइना का गाओकाओ है, इंडिया का IIT UPSC है, ऐसे ही वर्ल्ड ओवर और भी सारे एग्जाम्स हैं जो टफेस्ट एग्जाम की कैटेगरी में आते हैं। तो ये था चाइना का टफेस्ट एग्जाम और उसी के इंडियन वर्जन। तो अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चे को जानते हो तो उसके साथ एक वीडियो शेयर करना, बताना कि भाई सिर्फ आप अकेले नहीं हो, चाइना में आपका कोई मौसेरा भाई भी बैठा है, वो भी परेशान है। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो प्रोटेप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और मेरी दुआ दोनों मिलेगी, कोई एक तो काम आएगा ही आएगा।